आद्या, ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? जय, मैं और दिया वापस घर जा रहे हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस कहीं नहीं जा रही हो तुम। और वहाँ पे फिर से कोई आ गया तो? जय, तुम मैं रागनी करन, हम सब संभाल लेंगे। तुम टेंशन मत लो। सब संभाल लोगे? तो फिर जाओ ना। अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो फिर जाओ। जय, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? जय, एक बार मेरी जय जय मैं एक तो मैं विहान को लेकर ऑलरेडी इतना टेंस हूँ और आध्या ने एक बार भी रीजन नहीं पूछा मुझसे, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। और पैक? जय, डोंट वरी, हम सब है ना आध्या के साथ, हम उसका ध्यान रखेंगे। You take care. चले। Bye, Jay, see you. ये सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा हो रहा है आध्या, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इसमें तो सब दिक्कत ही दिक्कत है, इन दोनों का मिलना तो लिखा ही नहीं है। जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो ऐसी घटना हो जाएगी कि एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जय, तुम आ गए, पता मैं कितना मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जय, मैं तुम अभी भी कुंडली उंडली के चक्कर में पड़ी हुई हो। मैं तुम्हें कहा था ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और कुछ भी नहीं, इसे भूल जाओ। ये जय, रिलैक्स, मैं कुंडलियों के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तो फिर ये क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी यहाँ पे इसकी? वो तो बस ऐसी सामने पड़ी है। सच में? I'm sorry आत्या, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, दिमाग खराब हुआ है। कभी कुछ लाइफ में ना सब कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अब तुम लुगाई को ले लो, वो कितना भी औरत टाइप का है, किलसता है, गुस्सा करता है, झगड़ता है, लेकिन आज तक अभी ऐसे वो गायब नहीं हुआ है। वो अभी भी कहीं गायब नहीं हुआ है, बस थोड़ा गुस्सा आ जाएगा वापस। और वैसे भी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता कोई। अच्छा, ऐसा है क्या? हिडन टैलेंट है तुम में, जो लोग तुम्हारे पास आ ही जाते हैं वापस। वैसे तुमने कुछ खाया तो होगा, बैठो मैं कुछ बना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम बैठो। अरे डरो मत, इस बार मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगी, नमक मिर्च मसाले सब परफेक्ट, पक्का। मैंने कहा ना अभी अभी नहीं, मेरा कुछ मन नहीं है। अच्छा कुछ नहीं तो भुजिया ले आओ, तुम्हारी कंपनी का भुजिया, टेस्ट की तो फुल गारंटी। अच्छा रुको, बाद में खा लूंगा, अभी नहीं। अभी आध्या, मैं मुझे कुछ देर तुम्हारे साथ रहना। अच्छा बाबा, कहीं नहीं जा रही, यहीं पर तुम थोड़ी देर सो जाओ। नींद नहीं आ रही है मुझे आध्या, मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। जब से करण और रागी नहीं आया तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। नहीं exactly. जब से वो इस घर में आया कुछ रोज कुछ ना कुछ स्यापा हो रहा है। आध्या कुछ तो गड़बड़ है। आध्या एक बात बताओ कि ये करण और रागिनी, ये तुम्हारे कोई बचपन के फ्रेंड तो है नहीं, तुम्हारे पापा के फ्रेंड के बच्चे हैं ना, तुम तो उनको जानती नहीं हो, तुम कुछ समझती नहीं? नहीं।
आध्या कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके बारे में इन्फो निकालनी पड़ेगी, उनका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कोई आया आध्या वापस? रुको रुको, कोई है वापस? क्या? रुक। दरवाजा खुला हुआ है, मतलब कोई घर के अंदर से भी बाहर आया है। कहीं करण और रागिनी तो नहीं आए थे? जय, इस वक्त चले, इट्स वेरी लेट। कहीं नहीं जा रहा हूं, आज रात यहीं रुकूंगा। उठो। हेलो दी, जय, अरे उठो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे 8:30 बज गए यार, क्या कर रहे हो? अब जल्दी से उठो वरना मैं पापा को बता दूंगी। चिल, मैं नहीं बताऊंगी पापा को। और ये सुबह सुबह ना ऐसे लुक्स मत दिया करो मुझे। और जय प्लीज, तुम रूपा आंटी को जल्दी से कॉल करो, वो कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हें पता है ना उन्हें गेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। करो जी मैम। जय, वेयर यू? शो का टाइम हो रहा है, ऑफिस पहुंचो। जी मैम। फास्ट फास्ट। जी जी, आज एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, शो का टाइम हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 104.8 इश्क एफएम। मैं हूं आरजे जय और मेरे साथ हैं आध्या। और आज हम बात करेंगे मौसम की। देखिए, वैसे तो हम दिल्ली में हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शिमला में हो। तो बात करते हैं मौसम की, दिल की, दोस्ती की और बहुत सारी चीजों की। और आप वेट किसकी कर रहे हैं? प्लीज अपना जल्दी से फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। एंड तब तक के लिए क्यों ना इश्क पे। देखिए, पहला कॉलर आ भी गए, तो सुनते हैं पहले कॉलर को। हेलो। हाय जय। हाय। आपके फ्रेंड्स बुक्स पेज से आपकी ट्रिप के बारे में पता चला। सो हमारे आइडियल कपल ने कैसे एंजॉय किया इस ट्रिप को? मेरा ट्रिप अच्छा रहा। मैंने बहुत सारी मस्ती की, मौज की और एक गड़बड़ भी हो गई कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना विहान, वो पता नहीं मुझसे नाराज होके कहां चला गया। पता नहीं कहां इतना गुस्सा हो गया कि पता नहीं कहां चला गया, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। मैंने कितनी बार उसको फोन किया, फोन ऑफ आ रहा है। पता नहीं, ऐसा कभी करता नहीं है वो। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बहुत लड़ाई की है, बहुत झगड़े किए हैं, भर भर के एक दूसरे को गालियां दी हैं। तो ऐसे कभी मुझे अकेले छोड़ के गया नहीं है वो। कभी मेरा ऐसा नहीं हो कि मेरा फोन नहीं उठाया या उससे बात नहीं कर रहा है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया उसने मेरा, तेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है, मुझे बचाया है, मुझे पिटने से बचाया, मॉम डैड सब की डांट से बचाया। इसलिए वो सब किया जो कोई नहीं कर सकता। उसको सिर्फ दोस्त नहीं, उस गाय बोलता हूं मैं अपनी। लेकिन पता नहीं एकदम क्या हो गया उसको, अकेला छोड़ के कहां चला गया वो।
सुनो लुगाई, अगर तू सुन रहा है तो चुपचाप से ना जल्दी से घर आ जा, वरना अगर मैंने पकड़ लिया ना तो मैं इतना मारूंगा ना तुझे कि तू तशरीफ में नहीं बैठ पाएगा अपनी। मैं पहले बता रहा हूं, तू जल्दी से घर आ। मैं वेट कर रहा हूं, मैं तेरा, तू जल्दी से आ। सच में बहुत ही खास रिश्ता है जय और रिहान का, तो इस दोस्ती के नाम पर एक प्यारा सा गाना तो बनता ही। जय, टेंशन हो रही है मुझे, मुझे फोन नहीं कर रहा, मुझे फोन बंद आ रहा है उसका, कहाँ है वो, किधर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जय, इट्स ओके, वो वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो बस थोड़ा सा गुस्सा है।